दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष और मुख्य वक्ता, आपको दीक्षा देने वाले परम आदरणीय जस्टिस न्यायमूर्ति मालवीय जी, हमारे कुलपति श्री समेत जी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, हमारे डायरेक्टर झा साहब श्री बीपी सिंह जी, श्री एसके सिंह जी, आपके चेयरमैन श्री अशोक सिंह जी, सचिव डॉक्टर एमपी सिंह जी, आपके कुल सचिव महोदय, सभी आपके अध्यापक साथी, इस सभागार में आए हुए सभी मीडिया के साथी, सभी देवियों सज्जनों और मित्रों, एक तो बड़ी अस्वस्थता है अपने विद्यार्थी जीवन से जस्टिस मालवीय जी का पैर छूता रहा हूं और उनका सदैव आशीर्वाद मिलता रहा है, और उनके बोलने के बाद एक कटपटा सा है, मन में संकोच भी है, और ऐसे भी आपके लिए बिल्कुल आज का दिन केवल दीक्षांत समारोह का समारोह में शिरकत करना ही नहीं, बल्कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद मिला है जिनकी पीढ़ी महामना मदन मोहन मालवीय की पीढ़ी, आप उनके पौत्र, और शायद जो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इस देश के लिए, इस बनारस के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया, आज उसी धारा को गति देने में माननीय जज साहब का भी हाथ रहता है, सहयोग रहता है, और हमने देखा भी है जहां कहीं शिक्षा का कार्यक्रम रहता है हमारे न्यायमूर्ति महोदय रहते हैं, हमारे राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों के आप कार्य परिषद के सदस्य हैं, बड़े बड़े जांच कमेटियों के आप अध्यक्ष और सचिव सदस्य रहे हैं, तो आज आपके लिए सौभाग्य की बात है, और हम लोग देहात के आदमी कहते भी हैं, गांव में पढ़ने वाला बोलने वाला आदमी वो गांव की समझ लेकर के आता और जाता है, और आज राजनीतिक व्यक्ति कहीं न कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन आज जस्टिस मालवीय का आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहेगा, उसमें एक सीढ़ी जुड़ेगी, मालवीय जी के नाम का रहेगा, तो इसलिए एक विद्वान का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और शायद दीक्षांत समारोह होता भी इसीलिए है कि जब से परंपरा चली, आपने शिक्षा ली, आप दीक्षित हुए, अंतिम दिन अंतिम दीक्षा देकर, आपको दीक्षित करके प्रमाण पत्र देकर समाज की सेवा में, शिक्षा की सेवा में, देश की सेवा में आपको समर्पित किया जाता है। हमारे जैसा आदमी मानी जैसा पहले भी तमाम दीक्षांत समारोहों में हम सब साथ रहे हैं, हमने कई बार इस बात की चर्चा भी की, हम भी जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे, हमने जब बीए पास किया, सुना करते थे कि दीक्षांत समारोह होगा और काली काली कोट मिलेगी, पीली कोट मिलेगी, पहनने को मिलेगा, 4-6-10 साल कन्वोकेशन हुआ नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बीए कर लिए, एमए कर लिए और दीक्षांत समारोह हुआ नहीं, और इसीलिए हमारे मन में तमन्ना थी कि कब दीक्षांत समारोह हो, कब हमको एक कोट मिले, और कब हम फोटो खिंचा करके अपने बाप के बराबर में टांग दें कि हमने भी बीए की डिग्री पा ली है, हमारे मन में रहता था। आज भी जब कहीं जाते हैं, इस गाउन को पहनने पर जज साहब तो इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा राकेश जी कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए, ये ब्रिटिश प्रणाली है। हमने कहा सर आप नीति भी बनाते हैं, निर्णय भी करते हैं, आने वाले दिनों में महामहिम साहब भी कहीं, हम भी कहीं, इसमें भी परिवर्तन हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जज साहब अभी भी गांव का लड़का जिसने इस दीक्षांत समारोह को देखा नहीं, उसके मन में एक ललक रहती है कि हम दीक्षांत समारोह देखें, और हफ्ते 10 दिन तक विश्वविद्यालय का वातावरण बदल जाता है। हम लोग से कहा करते थे कि जो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, जो छात्र राजनीति करते हैं,
उन सबको हजारों लड़का बगल कर देता और याद करता है कि हमको दीक्षांत समारोह की तैयारी करनी है। आपका रजिस्ट्रेशन होता है डिग्री मिलने के लिए, महीनों हो जाता है प्रमाण पत्र पर दस्तखत करने के लिए, कुलपति खाली नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आज उस परंपरा का निर्वाह करने में एसएमएस और इनके मैनेजमेंट के लोगों ने एक बार फिर आपको तीसरी बार इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से हमारे विद्वानों ने, हमारे आदरणीय लोगों ने आपको ज्ञान की बातें कही, इसमें दो राय नहीं है। ये मैनेजमेंट का दौर है, ये कंपटीशन का दौर है, और इस मैनेजमेंट और कंपटीशन के दौर में हम कहां पहुंच गए हैं। अभी पिछले दिनों लगातार टेलीविजन पर आता रहा, कोई न कोई पंडित जी चुटियाधारी या तो आचार्य जी बता रहे हैं, एक महिला बताती जिसका कोई अंग नहीं खाली रहता कि एक एक नग उसके शरीर पर जरूर माला जरूर लटका हो, ताश का पत्ता खोल करके बताती है, तो बताती है कि दीपावली कैसे मनाया जाए, दिया कहाँ रखा जाए, गणेश जी किस तरफ रहेंगे, लक्ष्मी जी किस तरफ रहेंगी। 80 के पहले टेलीविजन नहीं था तो क्या हमारा त्यौहार मनता नहीं था? और अच्छे से मनाते थे। दशहरा तो हम सदियों से, सतयुग से मनाते चले आ रहे हैं, दीपावली हम भगवान राम के अयोध्या आगमन से मनाते चले आ रहे हैं। तब लाइट नहीं थी, लैंप नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं थी, दिए से जला करके पूरे अयोध्या को जगमग किया गया कि हमारे भगवान कब आ जाएं, चाहे रात में आवे चाहे दिन में आवे, ये दिया जलना चाहिए, इसलिए दीपावली मनाते थे। लेकिन ये मैनेजमेंट का हुनर है, वो तो टीवी वाला आपको बांध करके रखता है, उसकी भी लंबी तनख्वाह है कि आप जानिए और सोचिए कि 6:28 से ही पूजा शुरू होनी है, आगे पीछे मत करिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा, लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाए, चंचला है भाई, रुकती नहीं है, आप 6:24 पर बैठ जाएंगे कि 26 पर हमको पूजा कर देंगे। हम आपसे कहने आए हैं, हमारी रीत, हमारी परंपरा, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है जिसकी तरफ माननीय न्यायमूर्ति जी ने इशारा किया। और हमारी परंपरा और धरोहर में दो चीजें और हैं, एक तो अपने माता पिता का सदैव आशीर्वाद देना, और कहा भी जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी अगर अपने माता पिता को कष्ट देता है, माता पिता दुखी होते हैं, तो पाप लगता है आपको। और इसी साथ ये भी कहा गया है, कंपटीशन का दौर, हमने कहा भी आपसे कंपटीशन आज लड़के और लड़कियों का भी है, इसी मेडल में देखने को समझ में आ गया, लड़के साथियों लड़कियों से कंपटीशन करना है तो पीला मेडल लेने की कोशिश करिए, सिल्वर से काम चलने वाला नहीं है, आपको भी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इस कंपटीशन के दौर में आज एसएमएस का कंपटीशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट से नहीं है, पूर्वांचल के और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से नहीं है, प्रदेश से नहीं है, कि पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, जो भौगोलिकरण है, इसमें आपके एक एक अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो आपका कंपटीशन ऑल इंडिया नहीं एशिया लेवल का है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें अगर कमजोर निकल गए तो जिस तमन्ना से आपके गरीब माता पिता ने आपको यहां तक पहुंचाया, पढ़ाने का काम किया, इतनी महंगी शिक्षा आपको मिल रही है, शायद उसमें आप पीछे रह जाएंगे। और आज मैनेजमेंट ये भी कहता है, हमने अखबारों में पढ़ा, पहले हमारे प्रोफेसर लोग, ये पद्मश्री लोग, ये सब विश्वविद्यालयों में जाते थे, गेस्ट लेक्चर देते थे, विजिटिंग प्रोफेसर होते थे, तो आज मैनेजमेंट गुरु निकले हैं, उन्हीं का सुनिए, उन्हीं का समझिए, सप्ताह के मैनेजमेंट गुरु का भाषण होने वाला है, हमको ऑनलाइन उनकी शिक्षा मिलेगी। ये कंपटीशन का दौर, और एक केवल इसमें आपसे हमारी विनती है, हमने कई जगह इस बात को कहा भी, ये कंप्यूटर का समय आ गया है, और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक कितना कितना सब बढ़ता चला जा रहा है, हम कहीं न कहीं, हम जिस पीढ़ी में रहे, हम आदरणीय लोग तो बहुत हमसे वरिष्ठ हैं, हम जिस पीढ़ी में रहे हैं उस पीढ़ी में हम याद करके अपना इम्तहान दिया करते थे, किसी किसी को साथी कहता थे तो बहुत रटंतु है, रटता ही रहता है, रात दिन रट करके देता है। आज
रटने की तो बात छोड़ दीजिए, आप याद करके भी अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि 18 पंचे कितना होगा तो कहेंगे रुक जाइए कैलकुलेटर कंप्यूटर ऑन कर ले तब बताएंगे कि 18 पंचे कितना होगा। 18 डालेंगे, गुणा करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तब कहेंगे 90। हमारे जमाने में 18 पंचे 90 बताने में 1 सेकंड की देर हुई तो मास्टर कहता था हाथ आगे करो, पट से डंडा मार देता था, तब हम रटते थे और याद करते थे। आज हमारी सारी याददाश्त दिमाग से निकल करके कंप्यूटर में चली जा रही है, एक चिंता का विषय है। माननीय न्यायमूर्ति महोदय, ये पूरा देश हमने भी कंप्यूटराइज कर दिया, सारा डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी कर दिया, वेबसाइट पर डाल दिया, हमने भी कहा कि जमाने के साथ हमको भी चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो श्रुति और हमारी जो याद करने की क्षमता रही है वो मशीन पर डिपेंड करने लगे हैं, हम उस पर निर्भर करते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप प्रतिभाशाली हैं, आपने कंपटीशन दिया, एंट्रेंस दिया, आप उसको कंप्लीट करके यहाँ पर आए, पास करके आए, अपने योग्यता प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रतिभा में आप उस पुराने जमाने के पढ़ने याद करने की क्षमता को भी याद रखेंगे तो जितनी देर तक एरो आपका W ढूंढता रहेगा खोलने के लिए उतनी देर में आप जवाब दे लेंगे। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। आज इस दौर में हम लोगों ने भी इस बात का प्रयास किया जिसकी चर्चा हमारे विद्वान लोगों ने की, उच्च शिक्षा का दर बढ़ने में, चाहे मैनेजमेंट की शिक्षा हो, आज गांव का भी आदमी उसको भी ललक रहती है कि BA न कराएं, हमारा बेटा BBA अगर कर लेगा तो आगे MBA कर लेगा, इसको BCom करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात उसमें उसको भी लगता है कि अगर गांव के किसी बड़े का बेटा चला गया मैनेजमेंट में तो छोटा भी सोचता है हमारा भी बेटा कब जाए टाई हुई बांध करके कॉलेज जाना शुरू करे, तब लगेगा कि हमारा भी बेटा पढ़ रहा है। ये है सामाजिक परिवर्तन है, और आज इस परिवर्तन के दौर में निश्चित रूप से आपका ये SMS इंस्टीट्यूट, आप जैसे तमाम नौजवानों को जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी, जिन गुरुओं ने आपको इस लायक बनाया कि आप यहाँ से निकल करके जाएं और एक बड़े मिशन में जिसकी तरफ न्यायमूर्ति महोदय ने इशारा किया आप करें, हम 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। आज इस दीक्षांत समारोह में जैसा कि न्यायमूर्ति महोदय ने दीक्षा दी, हमारे आदरणीय कुलपति जी ने, गुरुजनों ने, हमको याद है एक कथानक कि एक राजा ने अपने बेटे को एक ऋषि के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेजा था। साल दो साल बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई और नियत समय पर राजा उसको जब लेने अपने बेटे को गए तो ऋषि ने कहा कि आपका लड़का, आपका पुत्र योग्य हो गया, सारी विद्या इसको आ गई, अब आप इसको ले जा सकते हैं। जब वो राजा अपने बेटे को लेकर के चलने लगे तो ऋषि ने कहा कि अभी अंतिम दीक्षा बाकी है, और उन्होंने तुरंत एक डंडा मंगाया और युवराज से कहा हाथ फैलाओ, और युवराज को एक डंडा एक हाथ पर मारा, कहा दूसरा फैलाओ दूसरे पर मारा, कहा फिर एक तीसरा फैलाओ फिर तीसरे पर मारा। और तब राजा को लगा कि हम राजा हैं इस प्रांत के, ये हमारे लड़के को हमारे सामने डंडे से पीट रहे हैं। तो ऋषि ने कहा कि नहीं राजन, आप नाराज ना हो, दीक्षा इनको मिल गई, दीक्षित हो गए, योग्य हो गए, विद्वान हो गए, आपके युवराज हो गए, लेकिन पहला डंडा इनको इसीलिए लगा है कि जब कभी भी ये राजगद्दी पर बैठे तो इनके लिए न कोई सगा है न कोई रिश्तेदार है, केवल न्याय करने का काम करेंगे, इसलिए पहला डंडा इनको दिया गया। राजन दूसरा डंडा इसलिए है कि जब ये राज करेंगे इनके सामने तमाम तरह की विपत्ति आएगी और इनसे इस बात की अपेक्षा भी की जाएगी कि अपने मंत्रियों से, अपने राजगुरुओं से,
निश्चित रूप से सलाह परामर्श करते रहे, इसलिए दूसरा डंडा इनको दिया गया। और राजन तीसरा डंडा इसलिए दिया गया कि अपने जीवन में जब कभी जिस किसी भी जगह रहेंगे और जब इनको कोई गलत काम करता याद आएगा तो हमारे जैसा ऋषि और गुरु याद आएगा और ये अच्छा काम करेंगे, इसलिए तीसरा डंडा देकर अंतिम दीक्षा देकर के आपके साथ इनको हम विदा करना चाहते हैं। आज हम भी आपसे विनती करने आए हैं कि जिस यशवंत इंस्टीट्यूट ने, स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज किस हाथे ने आपको इतना प्यार दिया, दुलार दिया, आपको जिन गुरुओं ने सजाने संवारने का काम किया, आप अपरिपक्व मैच्योर्ड होकर के आए, तो मैच्योर्ड होकर के जा रहे हैं। आप यहाँ विद्यार्थी के रूप में आए थे, आप पीजीडीएम के सर्टिफिकेट और डिग्री लेकर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जीवन उज्जवल हो, प्रकाशमान हो, आपके जीवन में तमाम सफलता मिले, लेकिन इन्हीं शुभकामनाओं में कहीं न कहीं आपके जीवन को संवारने में इस एसएमएस इंस्टीट्यूट का जबरदस्त योगदान है, इसलिए आपको हम बधाई देना चाहते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं एसएमएस के प्रबंधक समिति के तमाम साथियों का, उनके परिवार का, जिन लोगों ने इस पूर्वांचल के लिए नहीं उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट के शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने अपना एक स्थान बना रखा है। आज इस इंस्टीट्यूट को बने 17वां साल चल रहा है। श्री अशोक सिंह जी और डॉक्टर एमपी सिंह जी, अभी एक साल बालिग होने में आपको और लगेगा, तब आप 18 साल के बालिग कहे जाएंगे। 17वां साल है आपका। हम भी ये चाहते हैं कि जब 18वां साल एक कॉलेज बालिग हो तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको ऑटोनमस करने के लिए, रिकमेंड करने के तैयार है। आप अपना प्रस्ताव बनाइए, आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि कब काशी विद्यापीठ आपको परीक्षा की तारीख देगा, अपने से करिए। आपको वहां के रजिस्ट्रार को हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि डेट देने का काम कर दो, वहां परीक्षा परीक्षा पर लटकता रहता, हम लोग आफत किए रहते, फिर भी इस बार कुलपति जी आए नहीं। आप अपने पर खड़े होइए, अपने से तैयार होइए, और तब ये कंपटीशन एसएमएस का जब निकलेगा तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया लेवल का आपका कंपटीशन रहेगा। और आप निकल करके जाएंगे तो आप याद करेंगे कि हमने जिस इंस्टीट्यूट से शिक्षा ली है, जहां का हमने मेडल पाया है, तो आपके जीवन में, आपके परिवार के, आपके माता पिता को प्रसन्नता होगी। हमारे आदरणीय विद्वान लोगों ने शिक्षा दी, हम सब भी एक विद्यार्थी की तरह हैं, और बड़ा कम मौका मिलता है जब इन विद्वानों को सुनने का मौका मिले। आज के दिन हम प्रभु से कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और एक मिनट एक कथानक और सुनाना चाहते हैं। हमने पढ़ा था गुरु गोविंद जी जब अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण पर निकला करते थे, एक गांव में गए, उस गांव में उनका स्वागत सत्कार, गुरु गोविंद जी थे, सब जानते थे कि गुरुदेव हैं, स्वागत सत्कार किया, लेकिन बात व्यवहार ठीक नहीं था, कुछ उजट पने की बात लोगों ने की, कुछ अनपढ़ लोगों की तरह बात की, कुछ एकदम से छोटेपन की बात की। और सवेरे जब गुरु गोविंद सिंह चलने लगे, गांव वालों ने उनको प्रणाम किया, पैर छुआ, तो लोग गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, पंजाबी में न बता पाएंगे, उन्होंने कहा आपको आशीर्वाद है, बसे रहो, यहीं पर ठहरे रहो, बसे रहो। फिर गुरु गोविंद जी दूसरे गांव गए, वहां पर बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत सम्मान हुआ, सारे लोग विचारवान थे, विद्वान थे। सवेरे जब वो छोड़ने आए तो गुरु गोविंद सिंह से जब उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुआ, आशीर्वाद मांगा, तो गुरु गोविंद ने कहा कि उजड़ जाओ, निकल जाओ, देश में चले जाओ। शिष्यों ने कहा गुरुदेव जिन लोगों ने अपमान किया उनको तो आपने कहा बसे रहो, और जिन लोगों ने इतना आदर सत्कार का आप कहते उजड़ जाओ, कहा इसलिए कि बदमाश निकल करके जाएंगे तो पूरे देश को गंदा करेंगे, और ये अच्छे लड़के निकल करके जाएंगे तो पूरे देश को ठीक करेंगे, इसलिए गांव को उजड़ जाना चाहिए। गांव जब उजड़ जाएगा तो पूरे देश में अच्छे लोग जाएंगे, महान लोग जाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, देश में सामाजिक सुधार होगा।
इसलिए एसएमएस के साथियों, उसी गुरु गोविंद के आशीर्वाद के साथ उजड़ जाओ, देश विदेश में फैल जाओ, जहां जो नौकरी मिले सो ले लो, पकड़ लो, कर लो। आज के दिन हम एक बार फिर मैनेजमेंट के चेयरमैन श्री अशोक सिंह जी का, सचिव अशोक एमपी सिंह जी का, अपने झा साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने इस समारोह में आने का मौका दिया। विशेष तौर पर हम माननीय न्यायमूर्ति महोदय का और कुलपति जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने आपके बीच में आकर समय दिया और आपको आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।